हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फास्ट फूड का बहुत ज्यादा शौक होगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर लाख चाहने पर भी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं और आपसे कह दिया जाए कि बस आज लास्ट तक, कल से आपको बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं मिलेगा, तो क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? और इसी तरह से अगर सपोज करिए आपका वजन 90 किलो है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको लगातार 1 घंटे तक एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है, तो क्या आप लगातार 1 घंटे एक्सरसाइज कल से करना शुरू कर देंगे? और इसी तरह से अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं, 1 दिन में 10 चाय पी जाते हैं और यह कह दिया जाए कि बस आज आखिरी चाय थी, कल से चाय बिल्कुल बंद, तो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इन सभी बातों को तुरंत इंप्लीमेंट कर लेंगे और तुरंत अमल में ले आएंगे, अपने अंदर ये चेंज ले आएंगे कि हाँ भाई, कल से चाय बंद, कल से फास्ट फूड बंद और कल से 1 घंटा एक्सरसाइजेस करनी शुरू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, हम हमेशा यह सोचते हैं कि चेंज इज हार्ड, यानी कि जो परिवर्तन है वो बहुत मुश्किल होता है। परिवर्तन हमें क्यों मुश्किल लगता है, आपको मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसके कारण आप न केवल बुरी से बुरी हैबिट को छोड़ पाएंगे, बल्कि अच्छी से अच्छी हैबिट को अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे और उसके बाद सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेंज के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ। आज मैं आपको एक जापानी टेक्निक के बारे में बताऊंगी, काइज़ेन। काई माने होता है चेंज और ज़ेन माने अच्छा, यानी कि अच्छे के लिए परिवर्तन। हम अपनी किसी भी बुरी से बुरी आदत को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लेकर आ सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करनी है, सिर्फ अपनी लाइफ में हमें काइज़ेन को यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह काइज़ेन है क्या? काइज़ेन एक जापानी पद्धति है और यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, काई और ज़ेन। काई का मतलब होता है चेंज और ज़ेन का मतलब होता है गुड, यानी कि अच्छे के लिए चेंज। अब यहाँ पर जो एक अच्छी सी बात है वह यह है कि ये चेंज आपको एकदम से नहीं करना। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर हम 10 चाय पी रहे हैं और एकदम से बोल दिया जाए कि कल से 10 चाय बंद, तो हम नहीं कर पाएंगे। मगर अगर उसके बजाय हमसे यह कहा जाए कि कल 10 की जगह हमें केवल 9 चाय मिलेंगी, तब देखिए इसको करना कितना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे 9 चाय से फिर 8 चाय पर आएंगे, फिर 7 चाय पर आएंगे और ऐसे करते करते 6 महीने में लगभग 1 चाय पर आ जाएंगे। और 1 चाय के बाद जब 1 चाय पर आ गए तो फिर आदत छूटना कौन सी मुश्किल बात है। यही बात फास्ट फूड के साथ भी हो सकती है। और हाँ, एक्सरसाइज को अपने जीवन में कैसे शुरू करना है इसको भी बताती हूँ। अगर हमें एकदम से कहा जाए कि कल से लगातार हमें 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी है, तो हमें यह काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। मगर अगर हमें यह कहा जाए कि कल हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो देखिए कितना इजी हो जाता है सब कुछ। बस 5 मिनट, 5 मिनट तो चुटकी बजाते बीत जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अगर हम अपनी एक्सरसाइज कल से 5 मिनट करना शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे उसको 10 मिनट में करना शुरू करें, फिर 2-3 महीने बाद उसको 15 मिनट और ऐसे करते करते आधा घंटा, तो मुझे लगता है 4-5 महीने बाद हम 1 घंटे की एक्सरसाइज करने लायक सिचुएशन में पहुँच जाएंगे। और देखिए फिर जो चेंज हमें कल तक बड़ा मुश्किल लग रहा था वह कितना आसान हो जाता है। यही होती है काइज़ेन। और सबसे अच्छी बात है कि जो काइज़ेन है यह सभी के लिए है। काइज़ेन इज अ वे ऑफ लाइफ, यह एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे है, हर कोई इसको निशुल्क यूज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि काइज़ेन टेक्निक का प्रयोग करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर किया जा सकता है और बुरी से बुरी आदत को छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि यह एक बहुत ही सरल टेक्निक बताती है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, मगर हाँ, इसकी शर्त यही है कि अगला कदम जरूर बढ़ाएं, पहले कदम के साथ अगला कदम भी जरूर चले, बस थक कर हार कर बैठे ना। अगर आप थक कर हार कर बैठ जाते हैं तो फिर काइज़ेन की टेक्निक उतनी कारगर नहीं होती है। इसीलिए आप लगातार चलते रहें। और बहुत सारे जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं, वो काइज़ेन की टेक्निक पर ही चलती हैं। यहाँ पर मैं टोयोटा का जिक्र करना चाहूँगी। टोयोटा तो कहती है कि जो काइज़ेन है वो हमारी आत्मा है। अगर हमें काइज़ेन की टेक्निक पता नहीं होती तो हम कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि काइज़ेन हमें बताती है कि हमें छोटे स्तर पर ही सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि गाड़ी बनने में हमें मालूम है कि बहुत कॉस्ट लगती है, जब वह पूरी बनकर तैयार हो जाती है और अगर उसमें कोई खराबी
आती है तो उसे इम्प्रूव करना मुश्किल होता है, मगर हम शुरुआती स्तर पर ही उसकी बारीकी से जांच करते रहें तो उसमें परिवर्तन करना आसान हो जाता है और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो देखिए टोयोटा से लेकर बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी सभी काइजन की टेक्निक पर चलते हैं और अपनी इस लाइफ को बहुत ही सरल और आसान बना लेते हैं और साथ ही उनके लिए किसी भी परिवर्तन को करना मुश्किल नहीं रह जाता है। जब हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं तो हमें लगता है कि किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं तो सब कुछ बहुत आसान और सरल हो जाता है। जैसा कि मुझे लगता है कि अब काइजन टेक्निक को जानने के बाद हो गया है। काइजन टेक्निक के द्वारा हम जिंदगी के हर बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं और तो और जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छुड़ा सकते हैं और अच्छी आदतों को भी अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक छोटा सा कदम ही तो उठाना है। पहले एक छोटा सा कदम और उसके बाद अगला छोटा कदम, बस ऐसे करते 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 हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में ना केवल हम खुश रह पाएंगे बल्कि उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं जिनको कि हम पाना चाहते हैं। उसके लिए बस एक छोटा सा कदम उठाइए और अपनी ज़िंदगी में असीम खुशियों को पाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह विषय पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।